3 महीने की खोज के बाद आखिरकार इंफोसिस को नया सीईओ मिल गया है। देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इंफोसिस ने सलिल एस पारेख को अपना नया मुख्य कार्यधिकारी और प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया है। बता दें कि विशाल सिक्का के इस्तीफे के बाद से ही कंपनी नए सीईओ की तलाश में थी, जो तलाश सलिल एस पारेख पर जाकर खत्म हुई और अब पारेख 2 जनवरी से अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। वर्तमान में सलिल एस पारेख फ्रेंच आईटी सर्विस कंपनी कैपजेमिनी में एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सदस्य है। पारेख साल 2000 में कैपजेमिनी से जुड़े थे। उन्होंने समूह के नेतृत्वकर्ता के रूप में विभिन्न पदों पर काम किया है। पारेख ने भारत में कैपजेमिनी के परिचालन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पारेख ने IIT बॉम्बे से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स डिग्री हासिल की है, कार्नेल यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल की है। पारेख को जानने वाले उन्हें विलय और अधिग्रहण में माहिर होने के साथ कारोबार में तरक्की की ओर ले जाने वाले प्रबंधन के रूप में देखते हैं। आपको बता दें कि ये दूसरी बार है जब इंफोसिस ने किसी बाहरी व्यक्ति को इस शीर्ष स्थान पर पहुंचा दिया है। इससे पहले सिक्का को साल 2000 में SAP में लाया गया था। वह $10 अरब से अधिक की कंपनी के पहले गैर संस्थापक CEO थे। अगस्त महीने में विशाल सिक्का ने मूर्ति के नेतृत्व वाले इंफोसिस के संस्थापकों के साथ विवाद के बाद कंपनी के CEO पद से इस्तीफा दे दिया था। वीडियो डेस्क, अमर उजाला TV, नई दिल्ली।